गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास प्लस टू, हाउ आर यू ऑल? फाइन। अगेन लॉक फॉर नेक्स्ट 17 डेज और 2 वीक्स, है ना? तो मेरा इनवर्स वाला टॉपिक आप सबके साथ चल रहा था, मजाक वाली बातें छोड़े हम, है ना? आज कोशिश करूंगा कि शायद ये टॉपिक खत्म हो जाए। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे वो आपको उसके रिलेटेड असाइनमेंट भी दे दी थी, है ना? आज मेरा क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। इट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना? सो हियर टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई इक्वल्स, मतलब फॉर्मूला लगेगा, गिवन इज टैन इनवर्स 2x प्लस टैन इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाय 4। सो फॉर्मूला इज टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई पाई बाय 4। इट बिकम्स 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू, इट इज टैन इनवर्स, इट बिकम्स टैन पाई बाय 4। ये टैन इनवर्स जब इधर जाएगा इट बिकम्स टैन पाई बाय 4। नाउ 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, टैन पाई बाय 4 इज 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 5x। नाउ ये इधर आके प्लस 6x स्क्वायर प्लस ही रहेगा, ये इधर आके माइनस 1, मल्टीप्लाई करने पर 6 और वैसे 5, प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 6x कॉमन, x प्लस 1, माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1, 6x माइनस 1, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। नाउ 6x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 6x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 बाय 6, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 1। सो दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू सॉल्वेबल फॉर x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x इज 1 बाय 6 एंड माइनस 1। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस टैन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इक्वल्स टू पाई बाय 4। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था इसलिए पहले से सॉल्व किया है, समझा रहा हूं तुम्हें। टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y इज टैन इनवर्स x प्लस y 1 माइनस एक्स वाई, इन दोनों का एलसीएम आ गया, x माइनस 2 x प्लस 2, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई ऊपर, x प्लस 2 कैंसिल, x माइनस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, इन दोनों में एलसीएम जो है डिनोमिनेटर में x माइनस 2 x प्लस 2 एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई 1 में, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आएगा x माइनस 1 x प्लस 1। अब टैन इनवर्स ने इधर जाकर क्या बन जाना है, टैन पाई बाई 4, इनकी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इट इज ए, ये कैंसिल हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस का साइन है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब क्या कर रहा हूँ, इनकी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट ओपन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना? नाउ 2x से 2x कैंसिल, x से x कैंसिल, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, माइनस 2 एंड माइनस 2 माइनस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 1 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस 3 आ जाएगा, ये माइनस 4 इधर आके क्या बन गया, प्लस 4, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 1, एक्स स्क्वायर इज 1 बाय 2 एंड एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 बाय रूट 2, है ना? ये सभी x, आज मैंने सारे क्वेश्चन वही डिस्कस करने हैं जिसमें हमने x की वैल्यू निकालनी। सो स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन इज साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2। नाउ कैसे सॉल्व करूंगा मैं इसको, टैन से अब साइन में आ गया, कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास यहां पर, मैं क्या करता हूं इसको उधर भेज देता हूं, इट बिकम्स प्लस 2 साइन इनवर्स x। नाउ साइन इधर जाकर क्या आ जाएगा, साइन साइन पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स x, साइन 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, बट 90 के साथ ये क्या बन जाएगा, कॉस कॉस थीटा, है ना? नाउ कॉस 2 थीटा, इट इज थीटा, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 2 लाइक दिस। यहां पर मैं क्यों लिखने जा रहा हूं, मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं पहले आपको, कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा,
और अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का होल स्क्वायर, है ना। तो मैंने यही लिखा, साइन स्क्वायर थीटा इज साइन थीटा का होल स्क्वायर। नाउ वन माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये साइन से साइन कैंसिल, वन माइनस टू एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा मेरे पास सिर्फ। नाउ वन से वन कैंसिल, माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये इधर आके प्लस हो गया, एक्स कॉमन, टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। नाउ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू टैन इनवर्स कॉस एक्स इक्वल्स टू टैन इनवर्स टू कॉसेक एक्स, सेम हेडिंग वही है, सॉल्व फॉर एक्स। ओके, नाउ टू टैन इनवर्स थीटा, टू टैन इनवर्स थीटा का फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा फॉर्मूला पहले, है ना, मैं तो टीचर हूं फटाफट फॉर्मूला लगा दूंगा, तुम क्यों लगाओगे। तुमने यहां टैन से टैन कट करना है, लेकिन ये वॉल ऑफ चाइना टू सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एलिमेंट है यहां पर, जब तक ये यहां पर है टैन से टैन कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो मैं टू टैन इनवर्स थीटा इज टैन इनवर्स टू थीटा अपॉन वन माइनस थीटा स्क्वायर, टू टैन इनवर्स एक्स इज टैन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टैन इनवर्स टू कॉसेक एक्स। नाउ टैन से टैन कैंसिल, टू कॉसेक्स अपॉन वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टू कॉसेक एक्स। ये टैन से टैन कैंसिल क्यों हुआ, ये इधर जाके टैन लग जाएगा, टैन इनवर्स से टैन कैंसिल हो गया, है ना, टू से टू कैंसिल, इट बिकम्स कॉसेक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स वन अपॉन साइन एक्स, इट इज अगेन कैंसिल, कॉट एक्स, कॉस बाय साइन एक्स इज कॉट एक्स, कॉट एक्स इक्वल्स टू वन, कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉट पाई बाय फोर, वन कब होता है कॉट पाई बाय फोर पे, नाउ कॉट से कॉट कैंसिल, एक्स इक्वल्स टू पाई बाय फोर, है ना। यहां पर आप प्रिंसिपल सॉल्यूशन में भी आंसर दे सकते हो, अगर इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको याद हो एन पाई प्लस माइनस, है ना, जो प्लस वन में हमने पढ़ा था, बट मैं डायरेक्ट भी कॉट एक्स इक्वल्स टू कॉट पाई बाय फोर, एक्स इज पाई बाय फोर, दिस आंसर इज ऑल्सो ओके। कॉम्पिटिटिव पार्ट के अंदर अगर आपको ऑप्शंस दी हुई है तो आपको हो सकता है वहां पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन दिया हो, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ध्यान है तो वही ऑप्शन टिक करनी है। कॉम्पिटिटिव पार्ट में अगर एमसीक्यू टाइप से आ गया तो यहां पर पाई बाय फोर भी ऑप्शन में हो सकती है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी हो सकता है, तो आपका जो आंसर होगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा, पाई बाय फोर नहीं होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, साइन कॉट इनवर्स एक्स प्लस वन इक्वल्स टू कॉस टैन इनवर्स एक्स, है ना, ये सबसे ज्यादा टिपिकल है, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पार्ट की तरफ, है ना ये, और यहां पर इसको करवाने के लिए मेथड बता रहा हूं आपको, बहुत बढ़िया मेथड, ये किसी भी तरह ना कैंसिल नहीं होते हो, तो एक मेथड है इसको करने के लिए जो मैंने ट्रायंगल वाला मेथड कराया था, अगर मैं यहां साइन इनवर्स ले आऊं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहां कॉस इनवर्स ले आऊं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उसके लिए मैं यहां दो ट्रायंगल बनाऊंगा, मैंने आपको बताया था एग्जाम में आपने ट्रायंगल बना के आना है, ये कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स क्या होता है, डी ओवर पी, सो बेस इज एक्स प्लस वन, परपेंडिकुलर इज वन, सो हाइपोटेन्यूस इज अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। इस ट्रायंगल में टैन क्या होता है, पी ओवर बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज एक्स, बेस इज वन, सो हाइपोटेन्यूस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ साइन कॉट इनवर्स को मैं लिखने जा रहा हूं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स क्या होता है, पी ओवर एच, पी परपेंडिकुलर इज वन एंड हाइपोटेन्यूस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स प्लस वन, एक्सपेंड कर दिया मैंने इसको, इसको मैं लिख रहा हूं कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स क्या होता है, बी ओवर एच, बेस इज वन, हाइपोटेन्यूस इज एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कैंसल, मेरे पास रह जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ये कैंसिल, मेरे पास रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वन। नाउ स्टूडेंट्स स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इट इज वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, इट इज नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू,
equals to x square plus 1 cancel, 2x equals to, ये उधर चला गया, 2x equals to, x equals to minus 1 by 2 answer. जब कोई फॉर्मूला ना लगे, कुछ भी समझ में ना आए, यू कैन यूज दिस मेथड. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 tan इनवर्स 3x, है ना. इसको कैसे ट्राई करता हूं, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x माइनस, नाउ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x into y, tan inverse x minus y का formula, tan inverse x minus y upon 1 plus x into y, cancel हो गए, 1 से 1 cancel, 2x रह गया, ये identity है a minus b, a plus b की, a square minus b square, इधर 3x minus x 2x, 1 plus 3x square है ना, 3x square, now 2x upon 1 minus x square plus 1, 2x upon 1 plus 3x square. तो students, अब मैं इसको 2x से 2x कट कर रहा हूं, और इसको मैं क्या लिख रहा हूं, either जो मैंने कट किया वो equals to 0, तो x equals to 0, ये पहला solution है इसका, है ना, जिसको कट करते हैं वो 0 के equal होता है, जब कट करूंगा ये बचेगा 1 upon 2 minus x square, y 2, 1 plus 1, 2, and 1 upon 1 plus 3x square, cross multiply, 1 plus 3x square, 2 minus x square, plus हो गया इधर आके, minus 1, 4x square equals to 1, x square 1 by 4, x equals to plus minus 1 by 2, so, 3 answer हुए मेरे पास, x equals to 0, x equals to 1 by 2, x equals to minus 1 by 2, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, स्टूडेंट्स प्रूव करना है इसको, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आज के वीडियो में सभी एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इन क्वेश्चन के ना प्रिंटेड सॉल्यूशन मिलेंगे तो मैं नेट पे, और ये लाइव सॉल्व कर रहा हूं डायरेक्ट, है ना. इसमें मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करता हूं, पुट 1 बाय 2 कॉस इनवर्स ए बाय बी इक्वल्स टू थीटा, दोनों सेम है, टेन पाई बाय 4 प्लस थीटा प्लस टेन पाई बाय 4 माइनस थीटा, इट इज 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, फॉर्मूला है ना, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, एलसीएम आ जाएगा इनका, 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा, ये डिवाइड होकर कट गया, नाउ 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये कैंसिल, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, सो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, it is a square plus b square minus 2ab upon, now cancel, 1 plus 1 2 plus 2 tan square theta, now 2 common, 1 plus tan square theta upon 1 minus tan square theta, यहां करना मुझे फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए प्लस वन का, मैं इसको लिखूं एक बार, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लूं, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होगा तो ऊपर आ जाएगा, और ये किसका फॉर्मूला मेरे पास, कॉस 2 थीटा का, थीटा व्हाट इज थीटा, दिस इज 1 बाय 2 कॉस इनवर्स ए ओवर बी
नाउ टू से टू कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, इट इज रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये प्रूव हो जाएगा टू बी अपॉन ए. हर एक क्वेश्चन आज इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, समझने लायक. सो स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वीडियो लेंथी हो जाती है, बोर हो जाते हैं बच्चे देखते देखते, है ना. तो आपने यहां तक क्वेश्चन देखने हैं, इससे रिलेटेड असाइनमेंट भेजूंगा और एक वीडियो और, अभी एक या मैक्सिमम दो वीडियो और शेयर करूंगा जिसमें और ज्यादा बढ़िया सम लेके आऊंगा इनवर्स के, है ना, ताकि पूरा इनवर्स चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो जाए एंड देन वी विल मूव फॉर अदर चैप्टर. सो इसमें आपने प्रूव करना है, प्रूव करना है. वी हैव लेफ्ट हैंड साइड, सेम यहां से शुरू करना है, यहां से नहीं, यहां से एक्स यहां पर है, कॉस और टैन है, ये कब कैंसिल होंगे, जब यहां कॉस होगा तो ट्रायंगल बनाते जाओ साथ में, पी ओवर बी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, देन हाइपोटेन्यूज इज एक्स स्क्वायर प्लस वन. टैन को लिखने जा रहा हूं कॉस इनवर्स, है ना, बी ओवर एच, बी ओवर एच, कैंसिल कर देता हूं. फिर वही बात हो गई, इट इज साइन, इट इज कॉट, है ना, तो यहां फिर ट्रायंगल बना रहा हूं, कॉट बी ओवर पी, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, कॉट को लिखने जा रहा हूं साइन इनवर्स पी ओवर एच, एक्स स्क्वायर प्लस टू, कैंसिल हो गया और मेरे पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस टू, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ठीक है, हर एक क्वेश्चन देखना है बच्चे आज आपने, और साथ में दी हुई असाइनमेंट को सॉल्व करना है. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.